2 ईयर हो जाएंगी अभी नासिर हुसैन के फादर को शहीद हुए 2001 में वो शहीद हुए थे। तो देखेंगे नासिर हुसैन मेरे लिए आप ये समझें कि बहुत बड़ी अहमियत रखता था, मेरा बड़ा बेटा था, बाकी उसे छोटे मेरे बच्चे हैं। तो हमने तन्हाई में हमने बहुत सारी जगहों पे एक साथ वक्त गुजारा। जाने में मैं रोती नहीं हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अल्लाह ताला के सामने सजदे में हूँ कि उसने अपने लिए मेरे बेटे को पसंद किया और उसको अमर कर दिया, उसको हमेशा के लिए जिंदा और जावेद कर दिया। 3 सितंबर 2020 को वजीरस्तान में नासिर ने शहादत पाई। जब जाता था तो मैं उसे कहती थी कि बेटा अल्लाह के सुपुर्द हैं आप, तो जब मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे तो अम्मा अल्लाह के सुपुर्द करके एक आप मेरी माँ हैं और एक ये मुल्क और कौम मेरा है जिसके लिए मैंने खड़े होना है। तो नासिर माँ के लिए आपके बगैर, तो कहता मम्मा आप समझ नहीं सकती कि शहादत का रुतबा बड़ा अजीम है और अल्लाह जिन्हें पसंद करते हैं वो उन्हें अपने पास बुलाते। अपना लखते जिगर अपने से दूर करना कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। मुझे फ़ख्र है कि मेरे बेटे को अल्लाह ताला ने अपने लिए पसंद किया और वो हमेशा के लिए अमर हो गया। मेरे जो ढालस थी, मुझे लगता है कि मुझे हर यूनिफॉर्म के अंदर अपना बेटा नासिर हुसैन नज़र आ रहा होता है और खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं वो माँ, मुझ जैसी माओं के बच्चे हैं जिनकी माएँ घर में इंतज़ार करती हैं और वो महाजों पे जाके सारी सहूलतों से दूर होके वो हम लोगों की आसानी के लिए, वो हम लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए वहाँ पे अपनी जानों के नजराने देती हैं। मैं बहुत टूट चुकी थी लेकिन इन सब की मोहब्बत ने मेरे पास आना, मुझे पूछना, मुझे अपने होने का एहसास दिलाना, इन चीज़ों ने मुझे बड़ा बिल्डअप किया।